इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा और विकास का संपूर्ण दायित्व माताओं पर रहता है। एक जागरूक माता अपने बच्चे का समुचित पोषण और देखभाल कर पाती है। जिस परिवार में माताएं जानकार नहीं हैं, उस परिवार में समस्याएं ज्यादा आती हैं। यह विचार पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई रोशनी योजना अंतर्गत बेसिक उत्थान एवं ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा जनपद के ब्लॉक बनी कोडर के ग्राम बुढ़ेहरी में आयोजित 6 दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के दूसरे बैच के समापन अवसर पर प्रमाण पत्र वितरण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो हर असंभव को संभव बना देती है। वर्तमान दौर में डिजिटल इंडिया पर सरकार कार्य कर रही है। बैंक, विद्यालय व गांव में बिना पढ़े लिखे कार्य करना अब संभव नहीं है। स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि बीमारियों की जड़ गंदगी है, अगर स्वच्छ रहना है तो स्वच्छता पर ध्यान दें। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष व चाइल्ड लाइन के निदेशक ने कहा कि खान पान एवं पोषण सेवाओं की उपलब्धता से महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। पोषण स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक परिवार को पोषण वाटिका तैयार करना चाहिए, जिसे बिना रासायनिक प्रयोग वाली ताजे फल व सब्जियां मिल सके। श्री रत्नेश कुमार ने सभी प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों को मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए सभी को बधाई दी और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए अमर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।